हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्टिलाइट चैनल में। आज हम करेंगे कॉरल ड्रॉ के कुछ टूल्स के बारे में। जैसे अपन कह सकते हैं पहले दो क्लास के अंदर और हम टूल्स के बारे में कर चुके हैं कॉरल ड्रॉ के अंदर, तो आज हम फिर से अपन कह सकते हैं कॉरल ड्रॉ के जो बाकी के जो टूल्स हैं उनके बारे में आज हम और करेंगे, तो अपन कह सकते हैं चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे अपन कह सकते हैं कॉरल ड्रॉ को। जैसे अपन कह सकते हैं डबल क्लिक करके आपके डेस्कटॉप पे जो आइकन है उसको ओपन करता हूँ कॉरल ड्रॉ के, तो आपका जो कॉरल ड्रॉ वो ओपन हो जाता है। जैसे मैं न्यू ग्राफिक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने न्यू फाइल आ जाएगी कॉरल की, जो आपके पोर्ट्रेट से अपन कह सकते हैं लैंडस्केप में कर लेते हैं पेज को। तो फ्रेंड्स, आज हम जो करेंगे वो अपन कह सकते हैं पेंसिल टूल के बारे में या पॉलीलाइन टूल के बारे में। अगर अपन कह सकते हैं कोई भी आपको लाइन वगैरह बनानी है तो सबसे पहला जो टूल मिलता है वो अपन कह सकते हैं फ्री हैंड टूल। फ्री एंड टूल फ्री अपन कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं फ्रीली कोई लाइन बना सकता है। अगर मैं माउस को आपके क्लिक करके रखूंगा, इसका अपन कह सकते हैं ड्रैग करके रखूंगा, और मैं कोई ड्रैग अपन कह सकते हैं कोई लाइन आप बनाते हो तो वो आपके फ्री एंड टूल लाइन बना के दे देगा। और अगर आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है तो एक बार क्लिक करो, वापिस अपन कह सकते हैं क्लिक को छोड़ दो और वापिस अपन कह सकते हैं आप इसको लाइन को ड्रैग करोगे या फिर अपन कह सकते हैं माउस को आप यहाँ पे आगे लेके जाओगे तो आपकी सिंगल लाइन बन जाएगी। और अगर फ्रेंड्स मान लो आपको ये लाइन स्ट्रेट लाइन बनानी है तो आप इस लाइन को कंट्रोल के साथ में प्रेस करो या कह सकते हैं या कंट्रोल के साथ में माउस का अपन कह सकते हैं मूव करो तो आपकी लाइन स्ट्रेट बनेगी। लाइन को स्ट्रेट बनाने के लिए कंट्रोल का यूज लेना पड़ेगा, आप बिना कंट्रोल के यूज की लाइन को स्ट्रेट नहीं बना सकते। तो ये तो अपन कह सकते हैं किस तरह की आपको लाइन बनानी है। अगर लाइन की अपन कह सकते हैं आपको थिकनेस वगैरह चाहिए तो ऊपर हेड लाइन दी हुई है, लाइन की आपको कितनी थिकनेस लेनी है, लाइन का जो इस अपन कह सकते हैं जो फर्स्ट पॉइंट है वो कैसा चाहिए आपको, लास्ट अपन कह सकते हैं लाइन का जो लास्ट पॉइंट आपको कैसा चाहिए। तो जैसे भी आपको लाइन के पॉइंट चाहिए आप ले सकते हो, अपन कह सकते हैं आपको दोनों साइड सेम लेना तो सेम ले सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको इसमें कह सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे तरह के पॉइंट मिलते हैं अलग अलग, तो जिस तरह का पॉइंट लेना चाहते हो उस तरह का पॉइंट आप ले सकते हो इसके अंदर कि आपको किस तरह का पॉइंट इसके अंदर चाहिए या फिर रिक्वायरमेंट है। तो ये चीज अपन कह सकते हैं किस तरह की आपको लाइनिंग लेनी है, किस तरह का आपको लाइन बनानी है। तो कॉरल के अंदर अपन कह सकते हैं फ्री एंड टूल से आप सिंगल से लाइन बना सकते हो। मेरे को नहीं चाहिए, मैंने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल प्लस ए और रिमूव कर लिया। सेकंड जो अपन कह सकते हैं लाइनिंग में आती है वो आती है अपन कह सकते हैं ब्रीजर टूल। ब्रीजर टूल क्या करता है, एक अपन कह सकते हैं सिंपल से आपके लाइनिंग बनाता रहता है और साथ में लाइनिंग को अगर आप ड्रैग करते हो उस पॉइंट को तो लाइनिंग को मूव भी करता रहता है। तो जिस तरह से आप लाइन बनाते हो तो लाइन के साथ कह सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट लाइनिंग बनती रहेगी, और लाइन के साथ अपन कह सकते हैं पॉइंट बनाने के बाद माउस के क्लिक को छोड़ना नहीं है और उसके कह सकते हैं लाइन को ड्रैग करना है। तो ड्रैग करने पर अपन कह सकते हैं वो आपके शेप बना देगा, और अगर अपने को शेप खत्म करना है फिनिश करना है तो जहां से आपने शेप शुरू किया था वहां पे ले जाके आपके यहाँ पे क्लिक कर लो, या फिर अपन कह सकते हैं कहां पे भी जाके दो बार क्लिक कर लो तो आपका शेप वो फिनिश हो जाएगा। तो ये चीज अपन कह सकते हैं ब्रेजर टूल से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट अपन कह सकते हैं ब्रेजर टूल के बाद जो आता है अपन कह सकते हैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल। आर्टिस्टिक मीडिया टूल एक सिंपल टूल नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे शेप अपने को मिलते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं सबसे पहले आता है प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट के अंदर आपको कौन सा टाइप का शेप बनाना, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं ऊपर प्रॉपर्टी बार के अंदर आपको अलग अलग शेप मिल जाएंगे, जो भी आप शेप बनाना चाहते हो उस शेप से आपके ड्रॉ कर लो तो उस तरह का ये शेप बना लेगा। और कितना शेप अपने को बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए, साइड में अपन कह सकते हैं जो लाइनिंग है जो पॉइंट्स है तो आप उससे लाइनिंग को अपन कह सकते हैं बड़ा या छोटा बना सकते हो, किस तरह की आप ड्रॉइंग बनाना चाहते हो उसमें ले सकते हो। जैसे मेरे को टी बनाना या डी अपन को बनाना है इस शेप के साथ, तो मैं कुछ कैरेक्टर बनाना चाहता हूँ, मैं कुछ कैरेक्टर को भी बना सकते हो या कुछ फॉन्ट को बनाना, जैसे मेरे को आई लिखना तो अपन कह सकते हैं तो आई आपको किस शेप के अंदर लिखना तो वो चीज़ आप बना सकते हो। जैसे मेरे को टी लिखना है तो टी आपको किस तरह से लिखना, तो अलग अलग तरह के शेप है, फॉन्ट है, डिजाइन है, तो जिस तरीके की आप फॉन्ट और डिजाइन बनाना चाहते हो इसके द्वारा तो आप फॉन्ट और डिजाइन इसे बना सकते हो अलग अलग तरीके की जैसे आप चाहते हो। मैंने कंट्रोल प्लस ए कर लिया सबको और डिलीट कर लिया। अपन चलते हैं वापस अपन कर सकते हैं आर्टिस्टिक मीडिया के अंदर। सेकंड इसके अंदर आता है ब्रश टूल। ब्रश टूल के अंदर अलग अलग अपने को शेप मिलते हैं, पैटर्न मिलते हैं जो आप बना सकते हो। जैसे मेरे को मान लो एरो की चाहिए तो मैं आपके एरो की बना सकता हूँ, किसी तरह का कोई पैटर्न है ड्रॉ वगैरह करना चाहते हो बना सकते हो, बाद में इसको अपन कह सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके या साइज थोड़ी बड़ी करके भी सेट कर सकते हो। नेक्स्ट अपन कह सकते हैं इसके अंदर आपको किस तरह का पैटर्न आपको बनाना है, इसमें बहुत सारे तरह के पैटर्न मिल जाएंगे आपको, जिस तरह के पैटर्न जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट हो फ्रेंड्स आप इसको बना सकते हो, किस तरह का पैटर्न आपको रिक्वायर है या किस तरह का पैटर्न आपको चाहिए। नेक्स्ट अपन कह सकते हैं इसके अंदर आता है स्प्रेयर। स्प्रेयर के अंदर और भी अच्छे तरह के पैटर्न आपको मिल सकते हैं, किसी कोई पार्टी वेयर है कोई पैटर्न बनाना है, कोई कार्ड बना रहे हो या कोई डिजाइन बना रहे हो या कोई बर्थडे कार्ड बना रहे हो, तो बर्थडे कार्ड के अंदर अपन कह सकते हैं कोई बलून वगैरह आपको चाहिए या कोई कार्टून कैरेक्टर चाहिए तो बलून वगैरह चाहिए तो जैसे अपन कह सकते हैं आपको यहाँ पे बलून वगैरह कुछ मिल जाएंगे। आप जैसे आप जितनी लाइनिंग बनाओगे उतने बलून बनेंगे, और अगर आप कह सकते हैं सिंपल आप एक बार क्लिक करोगे तो सिंपल एक बलून बन जाएगा। तो जितने भी आपको रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कोई कार्टून कैरेक्टर चाहिए आपको पार्टी के लिए तो कार्टून कैरेक्टर भी बना सकते हैं आपके पार्टी के हिसाब से। जैसे आप कह सकते हो कोई पैटर्न बना रहे हो डिजाइन बना रहे हो जहाँ पे आपको ग्रास की यानी घास की कोई जरूरत है तो आपको यहाँ पे ग्रास भी ड्रॉ कर सकते हो आपके अनुसार। तो इसके अंदर आप कह सकते हैं आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं जो अलग अलग तरह के पैटर्न्स हैं,
तो जिस तरह का डिजाइन या जिस तरह का आपको सैंपल वगैरह चाहिए तो आप उस तरह का सैंपल ड्रॉ कर सकते हो लाइनिंग के हिसाब से। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने कंट्रोल प्लस ए करा सबको फ्रेंड, अपन कह सकते हैं कंट्रोल ए और फिर रिमूव कर लिया। नेक्स्ट अपन कह सकते हैं आर्टिस्टिक मीडिया के अंदर अपन कह सकते हैं ये कुछ इस तरह के अपने को टूल मिल जाएंगे किस तरह का स्प्रेयर बनाना। और फिर अपने को नेक्स्ट मिलता है कैलियोग्राफी टूल, तो कैलियोग्राफी टूल अपन कह सकते हैं किस तरह की कैलियोग्राफी आपको बनानी है, तो जिस तरह की कैलियोग्राफी भी आपको चाहिए उस तरह की आप कैलियोग्राफी से ड्रॉ कर सकते हो। और अपने को कह सकते हैं कोई पैटर्न है, फॉन्ट है, तो अगर आप खुद का कोई फॉन्ट प्रिपेयर करना चाहते हो तो वो भी आप अपन कह सकते हैं इस चीज से बना सकते हैं। और मान लो इसको कैलियोग्राफी को टूल को कितना अपने को मूव करना है या कितना मूव अपने को नहीं करना, आप जितना इसको मूव करना चाहते हो उतना इसको मूव करा सकते हो अभी कैलियोग्राफी के पॉइंट के हिसाब से, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, आपको किस तरह से चलना आपको जैसे भी लेना इसमें से ले सकते हो। नेक्स्ट अपन कह सकते हैं कैलियोग्राफी के बाद में जो पॉइंट मिलता है अपन कह सकते हैं पेन टूल। पेन टूल अपन कह सकते हैं किसी तरह का कोई ऑब्जेक्ट है या शेप बनाने के लिए काम आता है, ये अपन कह सकते हैं जहां जहां पे आपके जाओगे वहां पे ये लाइन बनती रहेगी, आपके पास जहां पे अपने को जाना है और लास्ट पॉइंट पे जाके मिला लो। तो ये चीज अपन कह सकते हैं शेप बना सकते हैं। और शेप अपन कह सकते हैं लाइन को मैं क्लिक करने के बजाय क्लिक करने के साथ माउस को ड्रैग करता हूं, तो क्लिक करते माउस को ड्रैग करोगे तो अपन कह सकते हैं आपका जो शेप है उस लाइन को वो कर्व में कर लेगा। ये चीज तो करेगा अपन कह सकते हैं फ्रंट पेन टूल। और पेन टूल की तरह एक और मिलता है अपन कह सकते हैं पॉलीलाइन टूल। तो पॉलीलाइन टूल भी इसी तरह से आपके अपन कह सकते हैं लाइन टू लाइन बनाता रहेगा, लेकिन पॉलीलाइन टूल को अगर मैं माउस को क्लिक करके रखता हूं और फिर ड्रैग करता हूं तो ये आपके कुछ एक अलग सा शेप बना देगा, मतलब फ्री एंड टूल के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ये पॉइंट को लाइन को कर्व नहीं करेगा पेन टूल की तरह जैसे अपन ने देखा। तो ये चीज अपन कह सकते हैं दोनों के अंदर फर्क है। और दोनों अपने पास सेम मिलते हैं, दोनों के अंदर कोई भी लाइन पैटर्न डिजाइन बनाना है तो दोनों टूल से बन सकते हैं। तो जो भी अपने को बनाना है अपन कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स कॉरल के अंदर जो भी अपने पास डिजाइन बनती है, जो भी पैटर्न बनते हो या जो भी कोई शेप बनाते हो वो पॉलीलाइन टूल और पेन टूल की सहायता से ही बनते हैं 90%। तो ये चीज आप इसलिए काम ले सकते हो। तो इसके आप कह सकते हैं पेन टूल से ऑनलाइन टूल से अपने लाइन तो बना दी, लेकिन उस टूल को कैसे अपने को कह सकते हैं सही से लेना है, तो उसके लिए अपन कह सकते हैं नेक्स्ट अपन जो अगला टूल आएगा उसके अंदर देखेंगे। जैसे फ्रेंड्स कॉरल 11 के अंदर क्या होता है, कभी कभी ये चीज कुछ शेप है अपने पास कह सकते हैं यहाँ पे मिल जाता है ना, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हो। तो ये जो फ्रेंड्स होते हैं कुछ मार्क होते हैं जो स्क्रीन के ऊपर फिक्स हो जाते हैं, तो इसको अपने कह सकते हैं रिफ्रेश करके यहाँ से हटाना पड़ता है। तो कॉरल की स्क्रीन को, कॉरल की खुद की स्क्रीन को रिफ्रेश करने के लिए अपन शॉर्टकट दबाएंगे कंट्रोल प्लस डब्लू। तो जैसे आप कंट्रोल प्लस डब्लू करोगे तो जो भी कोई एक्स्ट्रा मार्क होगा जो नॉन डिलीटेबल है, जो डिलीट नहीं हो रहा आपके सेलेक्ट करने पर भी ना वो सेलेक्ट हो रहा है, तो उसको आप कंट्रोल प्लस डब्लू करके रिमूव कर सकते हो। तो ये चीज अपन कह सकते हैं नॉर्मली। फिर अपन चलते हैं, अपन कह सकते हैं ये होता है थ्री पॉइंट कर्व टूल। थ्री पॉइंट कर्व टूल अपन कह सकते हैं एक सिंगल लाइन को शेप देने के लिए, कर्व देने के लिए काम होता है। जैसे मैंने एक लाइन बनाई, लाइन को आप लाइन बना के छोड़ दिया, फिर अपन कह सकते हैं आप इसको नीचे ट्रैक करोगे या फिर ऊपर ट्रैक करोगे, जहां पर भी साइड में आप ट्रैक करोगे तो इस तरह का अपन कह सकते हैं कोई शेप आपके तैयार हो जाएगा। जैसे मैं अपन कह सकते हैं लाइन को ड्रॉ किया फिर मूव को ट्रैक करो, तो आपको मतलब कितना लाइन ड्रॉ करनी है और कितना इसको ट्रैक करना है, तो आप इसके अनुसार अपन कह सकते हैं लाइन को ट्रैक करके थ्री पॉइंट कर्व टूल बना सकते हो। तो थ्री पॉइंट के द्वारा आपकी लाइन को ये कर्व करके जैसे भी कोई शेप बनाना, कोई आर्क बनाना तो आर्क कोई प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट इसके अंदर अपने को टूल मिलता है फ्रेंड्स, अपन कह सकते हैं ये जो चीज आती है इंटरेक्टिव काउंटर टूल। इंटरेक्टिव काउंटर टूल अपन कह सकते हैं मेन किसी तरह का कोई सेंटीमीटर वगैरह या फिर कह सकते हैं कोई कनेक्टर टूल अपन कह सकते हैं किस चीज को अपने को कनेक्ट करना है। जैसे मान लो ये कोई सर्कल बनाया मैंने, इस सर्कल को किसी नाम से कनेक्ट करना है या कोई नाम मेरे को इसका आपके डिवाइड करना है या लिखना है, तो अपन कह सकते हैं एक तरह का कनेक्टर बना के दे देगा। तो ये तरह का आपके लिए कनेक्टर बन गया, तो इसके यहाँ पे नीचे मैं चाहूँ तो यहाँ पे नाम भी लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे नीचे मेरे को नाम लिखना है तो मैंने यहाँ पे कह सकते हैं टेक्स्ट टूल के ऊपर गया, टेक्स्ट टूल के ऊपर क्लिक किया और नीचे मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसा यार सी एल ई सर्कल। तो ये एक तरह का अपन कह सकते हैं कनेक्टर बन गया, या कोई जॉइंट वगैरह या कुछ नाम वगैरह लिखना है तो कनेक्टर टूल कुछ इस तरह से काम में ले सकते हो। कंट्रोल प्लस सेलेक्ट ऑल करके मैंने इसको रिमूव कर लिया। नेक्स्ट अपन जो फ्रेंड्स कहते हैं, नेक्स्ट जो टूल आता है अपने कह सकते हैं मेजरमेंट टूल या डायमेंशन टूल। डायमेंशन टूल का जो मेजर अपन कह सकते हैं जो ज्यादातर यूज लेते हैं वो अपन कह सकते हैं आर्किटेक्ट लेते हैं, जो कोई भी अपन कह सकते हैं घर के नक्शे, मकान के नक्शे या कोई शॉप के किसी भी तरह के कोई मैप वगैरह आपको यहाँ पर नक्शे वगैरह बनाने हैं तो वो अपन कह सकते हैं कोई मेजरमेंट के लिए काम आता है। ये अपने को कह सकते हैं कितना अपने को मेजर करना है या कितना अपने को मेजरमेंट नहीं करना, तो ये मेजरमेंट के लिए टूल मेन काम आता है। अपने लिए अपन कह सकते हैं नॉर्मल जो डिजाइनिंग करोगे आपके डिजाइनिंग के लिए ये टूल इतना काम में नहीं आता। तो ये चीज अपने पास कह सकते हैं डायमेंशन टूल मिल जाता है कंट्रोल प्लस ए करके, मैं इसको सेलेक्ट ऑल करके रिमूव कर लेता हूँ। तो ये तो फ्रेंड्स थे अपन कह सकते हैं पेन टूल से आप कैसे लाइनिंग को बनाओगे या कैसे लाइनिंग को आप नहीं बनाओगे। जैसे मैंने कह सकते हैं किसी शेप को बना के रख दिया, अपन कह सकते हैं किसी सर्कल को बना के रख दिया, जो मेरे कलर फिल करना मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करा, इसके अंदर मैंने ग्रीन कलर ले लिया, दूसरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करा मैंने, इसके अंदर अपन कह सकते हैं आपके कोई ग्रे कलर ले लिया, अब इसने शेप को ले लिया, अपने कह सकते हैं मान लो अपने को इसको जूम करना है या वगैरह अपने को कह सकते हैं क्या चीज करनी है इसके साथ। अगर मान लो इस फ्रेंड को अपन कह सकते हैं इस शेप को अपने को जूम करना है तो जूम करने के लिए जूम टूल के ऊपर क्लिक करोगे, जूम टूल की शॉर्टकट होती है फ्रेंड
जेड, अपन जैसे आप जेड प्रेस करोगे तो आपका जूम टूल आ जाएगा, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ जूम को जूम कर रहा है, और मान लो इसको जूम को छोटा करना है तो अपन कह सकते हैं लेफ्ट क्लिक से तो जूम इन होगा यानी बड़ा होगा, और राइट क्लिक करोगे तो ये जूम आपके पास छोटा हो जाएगा यानी जूम आउट हो जाएगा। जूम इन के लिए लेफ्ट क्लिक करना और जूम आउट के लिए राइट क्लिक करना। और मान लो अपन कह सकते हैं जूम करने के बाद अपने पास पेज अपनी जगह से हिल जाता है और अपनी जगह पे अपने पास वापस इसको सेंटर ऑफ द पेज फिट करने के लिए, तो सेंटर ऑफ द पेज को हमने को कह सकते हैं फिट करने के लिए जूम को आपको शॉर्टकट यूज करनी है शिफ्ट प्लस F4। आप जैसे ही शिफ्ट प्लस F4 करोगे तो अपन कह सकते हैं जो सेंटर ऑफ द पेज को जूम करके बता देगा। और एक और चीज होती है, जैसे मैंने किसी शेप को सेलेक्ट कर रखा और मेरे को सिर्फ उसी पर्टिकुलर शेप को आपके जूम करके बताना है, तो उसके लिए अपन कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर शेप को जूम करना है तो उसके लिए मैं सिर्फ F4 दबाऊंगा। तो सिर्फ F4 दबाने पर क्या होगा, जो पर्टिकुलर जो शेप बना हुआ वो शेप ही जूम होगा, और मेरे को पूरे पेज को आपके स्क्रीन के ऊपर फिट करना है तो मेरे पूरे पेज को फिट करने के लिए मैं शिफ्ट प्लस F4 दबाऊंगा। तो ये चीज अपन कह सकते हैं जूम होता है। और जूम के अंदर अपने पास एक और चीज मिल जाती है हैंड टूल। हैंड टूल मान लो अपन कह सकते किसी चीज को आपने जूम कर लिया लेकिन जूम करने के बाद भी आप मेरे को उसको मूव करना है तो अपन कह सकते हैं आप हैंड टूल से उसको आसानी से मूव करा सकते हो। तो जूम टूल की शॉर्टकट होती है फ्रेंड्स जेड, और हैंड टूल की शॉर्टकट होती है फ्रेंड्स एच। आप एच दबाओगे तो अपन कह सकते हैं हैंड टूल को आप ले सकते हो, जेड दबा के अपन कह सकते हैं जूम टूल को आपको कितना जूम करना है या पेज को पूरा फिट करना है, पूरे पूरे पेज को शिफ्ट प्लस F4 दबा के। फ्रेंड्स आज की क्लास में अपन ने देखा कैसे अपन कह सकते हैं कोई भी लाइन बनाओगे, आर्टिस्टिक मीडिया बनाओगे, पेन टूल, पॉलीलाइन टूल, कोई भी शेप बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना तो वो पेन टूल या पॉलीलाइन टूल से आप बना सकते हो आसानी से। तो फ्रेंड्स आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी, और आज की क्लास हमारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए क्या। तो फ्रेंड्स आपके पास अगर कॉरल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है तो आप हमको कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे लिखकर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।